जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, 91.2 रेडियो नोएडा लोकमंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं नोएडा लोकमंच की लाइब्रेरी से लुबना जी। लुबना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम लुबना है, मैं यहाँ लाइब्रेरियन हूँ नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में। अभी रिसेंटली हमने कुछ न्यू चीज़ें लाइब्रेरी में अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टार्ट की हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एक इनोवेशन करके हमने स्टार्ट किया है, एक इनोवेशन प्रोग्राम इसमें हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एजुकेशन की और एक पहल को देखते हुए हमने एक वीकली सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट आते हैं, उनकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हम एक वीकली काउंसलिंग रखते हैं। उसमें उनको दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, कि उनकी एग्ज़ाम के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो जाती है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी लाइब्रेरी में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट आते हैं, लाइक UPSC, SSC, बैंकिंग और नीट वगैरह, तो उसी के सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से हम एक वीकली उनका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम डेली ई न्यूज़पेपर और ई मैगजीन्स स्टूडेंट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं, जिसमें हमारे न्यूज़पेपर हैं, हम द हिंदू, उसमें उसका इंग्लिश और हिंदी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, और न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल, क्योंकि UPSC के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो सारा न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन जो उनके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें एक एडिटोरियल्स हम रख देते हैं, जिससे कि वो वही चीज़ पढ़ पाएँ जो उनके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ करके वो उसका एडिटोरियल पढ़ पाए। और जो मैगजीन्स है हमारी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, वीकली न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर हो गया हमारा, और ये योजना हो गई हमारी, तो ये सब ई मैगजीन्स हम व्हाट्सएप के थ्रू अभी सब स्टूडेंट को हम डेली बेसिस पर सेंड कर देते हैं। इसमें आपका कोई हेल्पलाइन नंबर जो है वो आप प्रोवाइड कराएं? हमने अभी रिसेंटली, हमें 1 मंथ हो गया है, अपनी लाइब्रेरी का हमने एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है। हमारी लाइब्रेरी का हेल्पलाइन नंबर है 9911709884। ये हमारे ऑफिस आवर्स में ओपन रहता है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर हमारी लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी आपको सजेशन है, कोई क्वेरी है, या किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए होगी, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर के थ्रू हम लोगों से, हमारा यही मोटिव है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी की रीच बढ़े, लोगों को हमारी लाइब्रेरी के बारे में पता लगे, हमारे कलेक्शन के बारे में पता लगे, और हमारे यहाँ पर कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट आते हैं उनके बारे में पता लगे। क्योंकि कई बार पढ़ाई ये नहीं होती कि कोई अकेले बैठ के पढ़ रहा है, अगर स्टूडेंट को मिल जाए कि उन्हीं का कोई सीनियर है, उन्हीं का कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसको ज़्यादा पता है, उसको पता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हाँ, एक्सपीरियंस हो जाता है और डिस्कशंस बेटर होते हैं। अगर कोई मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, तो वो मेरे लिए इतना मेमोरेबल हो जाएगा कि वो मैं रादर देन के 1 घंटा अकेले बैठ कर पढ़ूँ। तो डिस्कशंस जो होते हैं वो हमारे माइंड मैपिंग हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट आएंगे तो वो देखेंगे कि हमारे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कितने स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, कितने उन्हें एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो खुद भी अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, खुद भी डिस्कशन ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव अभी यही है कि ये एन इनोवेशन हमने स्टार्ट किया है एजुकेशन के लिए, और हमने लाइब्रेरी का हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, जिससे हमारी लाइब्रेरी की रीच बढ़े और हमारी लाइब्रेरी के बारे में लोगों को पता लगे। तो ये जो यहाँ पर अभी सेशंस होंगे, ये ग्रुप सेशंस होंगे या फिर काउंसलिंग सेशंस जो आप बता रही हैं? ग्रुप वीकली काउंसलिंग सेशन तो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे। अब जैसे कोई UPSC का है, कोई IAS ऑफिसर हमारे आ रहे हैं, वो बच्चों से इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम UPSC से जितने रिलेटेड हमारे स्टूडेंट आते हैं उन्हें हम इन्फॉर्म कर देंगे कि वीकली एक सेशन स्टार्ट है, इसमें आकर के आप पार्टिसिपेट करें, पढ़ें, देखें उनको, उनकी स्पीच से मोटिवेशन लें। और इसी के अलावा अगर जैसे SSC या किसी भी सब्जेक्ट इस पर, कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर आ रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है, वो बताना चाह रहा है, अपने एक्सपीरियंस बताना चाह रहा है, अपने कुछ पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा है, उस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा गाइडेंस की इस टाइम पे ज़रूरत होती है कि उनको कितना टाइम किस पढ़ाई में किस तरह देना चाहिए, कि ज़्यादा टाइम, तो इस टाइम पर गाइडेंस उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमारे सेशन जो होंगे उसके लिए तो हम इन्फॉर्म करेंगे, और जो स्टूडेंट का सेशन है वो अपना
ना आपस में भी डिस्कशन कर लेते हैं। वो सिर्फ मैंने एक आइडिया के लिए बताया कि स्टूडेंट अगर आएंगे तो वो अपने मिली हुई देखेंगे कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन यहाँ पे पढ़ रहा है। और वीकली सेशन जो है वो हमारी तरफ से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाला वो हम प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट के लिए। लाइब्रेरी का हेल्पलाइन नंबर भी है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वो हेल्पलाइन नंबर 9911709884 9911709884। तो ये हेल्पलाइन नंबर है नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी का, आप यहाँ से सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं इन वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसके अंदर। क्या वर्किंग आवर्स है मैम बताइए? वर्किंग आवर हमारे मंडे टू सैटरडे 9 to 6 हमारा रहता है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट हॉलीडेज एंड सेकंड सैटरडे, उस टाइम पे लाइब्रेरी हेल्पलाइन नंबर नहीं चलेगा और आफ्टर 6 PM भी नहीं ऑन रहेगा। अगर आपको कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन ना, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसका जवाब दे दिया जाएगा अगर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारे साथ लुबना जी जो बता रही थी एक एन इनोवेशन जो है, एक इनिशिएटिव चलाया गया है नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा सभी जो हमारे लिसनर्स हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाएं। सुनते रहिए 91.2 रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी आवाज़। धन्यवाद।